अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यार आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो हैं वो आपसे शेयर करनी है। वो ये कि मैं बंदा जो हूँ, मैं ट्रैवल व्लॉग ज़्यादातर बनाता हूँ, तो ट्रैवल व्लॉग में क्या होता है कि ज़्यादा कैब आ जाता है, ऑडियंस से कनेक्ट नहीं रह पाते। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि यार एक शॉर्ट फॉर्मेट में व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो उसमें जो है मेरे पास ऑप्शन थे, फिर होटल व्लॉग्स हो गए, फूड व्लॉग्स हो गए। तो चतराल में जो हैं होटल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, रिजॉर्ट हो गए, वो जो हैं सुपर हैं यार, ज़बरदस्त हैं। तो इसी के साथ ही चतराल कल्चर फूड जो हैं वो भी आई थिंक ज़्यादा लोगों को पसंद आने वाली है, मेरे ऑडियंस को पसंद आने वाली है। तो मैंने कहा चलें ये शेयर करते हैं। इससे एक और फ़ायदा ये होगा कि जो व्यूअर्स हैं, जो टूरिस्ट हैं, जो डाउन सिटी से आते हैं चतराल की तरफ, उनको पहले से आइडिया होगा कि किस होटल में हमें जाना है, कहाँ हमें रुकना है, कौन से फूड हमें ट्राई करने हैं। तो आई थिंक ये एक इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स भी होंगे, तो ऑडियंस को पसंद भी आएंगे। आई थिंक सो। तो आज का जो है फर्स्ट व्लॉग हम स्टार्ट करने वाले हैं, फर्स्ट रिव्यू आपको देने वाले हैं, वो है चान होटल। और इसकी सबसे ज़बरदस्त बात जो है वो इसकी लोकेशन है कि तो इंटर होते हैं, एंट्रेंस जो है वो इस तरह है कि रोड साइड पर ही ये होटल है और चतराल बाज़ार से जो है तकरीबन 5 मिनट के फासले पर ये होटल जो है, उससे थोड़ी जो नॉइस है, जो पॉपुलेशन है उससे थोड़ी सी दूर है, एक साइड पर है। तो इसमें बंदा इंजॉय कर सकता है, चिल कर सकता है, यहाँ आ सकता है। इसमें एक और जो इसकी खसूसियत है वो यही है कि यहाँ नाइट लाइफ जो है वो अक्सर चतराल में हम मिस कर रहे थे, तो नाइट लाइफ पर ज़्यादातर फोकस किया हुआ है। हमारे दोस्त हैं वसी भाई जो इसके ओनर हैं, तो वो भी खुद भी एक क्रिएटिव बंदा है, तो वो यही सोच रहे हैं कि नाइट लाइफ को जो है वो चतराल में लाएँ। तो आए इंटर होते हैं, देखते हैं, आपको रिव्यू देते हैं, रूम दिखाते हैं, रेस्टोरेंट भी हैं और आप यहाँ स्टे भी कर सकते हैं। तो आए अंदर जाते हैं। व्यूअर्स, इंटर होने के बाद ऊपर के पोर्शन में जो है सबसे पहले आपको यहाँ रिसेप्शन मिलता है, यहाँ से आप आगे जाते हैं, आगे जो है ऊपर के पोर्शन में दो रूम्स हैं। तो इसमें एक मास्टर बेडरूम है और दूसरा जो है दो सिंगल बेड छोटा सा रूम है। तो पहले जो है आपको जो बड़ा रूम है ये आपको दिखाते हैं। इस साइड पर जो है आप जब यहाँ इंटर होते हैं तो बिल्कुल सामने ही जो है यहाँ पर एक छोटा सा हॉल है, तो यहाँ पर भी आप बैठ सकते हैं। इसी के साथ ही इस साइड पर जब हम आए तो जनाब ये एक मास्टर बेडरूम और मेरे ख्याल में फैमिली के लिए ये एक ऑप्शन है कि वो अगर आए तो इस साइड पर जो है आपको कवर मिलता है और दूसरी साइड पर जो है सोफा सेट आप बैठने के लिए। तो आई थिंक यार ज़बरदस्त है। और साइड पर जो है आपको अटैच वॉशरूम भी मिलता है। व्यूअर्स, ऊपर का पोर्शन हो गया है, जो कन्फ्यूजन है आपके जहनों में होती है तो वो जो है वो क्लियर हो जाती है इस तरह के रिव्यूज से। तो वो अपने लिए आप बुक कर सकते हैं पहले से कौन सा हमें होटल जाना है, कौन से रूम में हमें ठहरना है। तो ऊपर के जो दो रूम्स है उसी की तरह ही जो है नीचे भी जो है सिंपल लुक, डिसेंट लुक, उसी तरह सेम टू सेम वो रूम्स भी हैं, जिसमें एक है 3 सिंगल बेडरूम और दो जिस तरह ऊपर थे 2 सिंगल बेडरूम। तो पीछे जो है ये व्यू आप देख सकते हैं होटल की, और रेस्टोरेंट भी है, आप स्टे भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। तो इस साइड पर जो है आप देख सकते हैं बैठने के लिए जगह काफ़ी खूबसूरत बनाई हुई है। सामने दरिया चतराल, एक नहायत ही खूबसूरत मंजर दरिया चतराल का। और जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट भी बिल्कुल फ्रंट टू फ्रंट जो है होटल के सामने ही है। तो टेक ऑफ जो है TIA का यहाँ से वो भी आप देख सकते हैं। तो आई थिंक आपका जो व्यू का जो प्रॉब्लम है वो क्लियर होने वाला है। व्यूअर्स, बिचान नाम में अब क्या लॉजिक है वो आपको बताता चलूं कि चतराली ज़ुबान में बिचान उस जगह को कहते हैं जहां पहले ज़माने में जो पैदल सफ़र करते थे तो रास्ते में जिस जगह छाव होती है और बंदा वहां रेस्ट करे तो उस जगह को जो है बिचान कहते हैं। तो ये भी एक रेस्टिंग पॉइंट है, तो यहां भी आप चूँकि सफ़र में जा रहे हैं तो यहाँ रेस्ट करें। तो सेम जो है कुछ इस तरह कुछ लॉजिक है इस नाम के पीछे। और साथ में जो नाइट यहाँ की लाइफ है उसके भी कुछ आपसे क्लिप जो है, वीडियो क्लिप, वो आपसे शेयर करेंगे।
व्यूअर्स, ये था हमारा फर्स्ट होटल व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यार फर्स्ट टाइम था, पहले कभी ट्राई नहीं किया था, मैंने कहा न्यू चीज़ें कर लेते हैं। इसके बाद जो इंशाल्लाह मैं फूड व्लॉग जो है जल्द आपके साथ शेयर करूँगा। ये था हमारा रिव्यू, टूरिस्ट के लिए मेरे ख्याल में एक इन्फॉर्मेटिव होगी क्योंकि उनको पता होगा कि कौन कौन से होटल उनके लिए बेस्ट है, उनके पास ऑप्शन होंगे। इंशाल्लाह ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, प्लेलिस्ट में बना दूंगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।